आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज यौम आज़ादी के सिलसिला में मुल्क भर की तरह नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस भी 22 की तरफ से आईजी साहब नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम के विजन के मुताबिक डीआईजी मसरूर आलम कलाची की हिदायत पर सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद के हुक्म पर टोल प्लाजा पर जश्न आज़ादी के सिलसिला में एक पुरवक्कार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राना अकबर अली। जी आज यौम आज़ादी के सिलसिले में मुल्क भर की तरह नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस बैट नंबर 22 की तरफ से आईजी साहब नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की विजन के मुताबिक डीआईजी मुसव्वर आलम कराची की हिदायत पर सेक्टर कमांडर राना सरफराज अहमद के हुक्म पर टोल प्लाजे पर जश्न आज़ादी के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। एडमन ऑफिसर इंस्पेक्टर मोहम्मद अबीब, इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन और बैट के दूसरे अफसरान ने परचम कुशाई की। पाकिस्तान की 74वीं सालाना आज़ादी के मौके पर केक काटा गया। पाकिस्तान की सालमिया तरक्की व खुशहाली के लिए दुआ कराई गई। इस मौके पर सब्ज हलाली परचम, रंग बिरंगी झंडियों और बैचेस के साथ स्टॉल को सजाया गया। मुसाफिरों में आज़ादी के सिलसिले में झंडियाँ और पौधे तकसीम किए गए। मोटरवे पुलिस और प्लाजा जात के मुलाजमीन के साथ जश्न आज़ादी वॉक का एहतमाम किया गया। जी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट।